रामपुर में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर मकान में छापेमारी की कार्रवाई करने के दौरान पुलिस ने अवैध देह व्यापार का धंधा करने लगी 3 युवतियों को और एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में कुछ महिलाओं द्वारा अवैध देह व्यापार का धंधा कराए जाने पर सूचना पुलिस को काफी समय से मिल रही थी और फिर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर देह व्यापार का धंधा चालू होने की सटीक सूचना के आधार पर ये छापेमारी की और एक मकान पर छापा मारा, जहां से 3 युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको थाने लाकर उनका चालान न्यायालय किया गया है, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के मुताबिक बिलासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी क्षेत्र के मोहल्ले में एक मकान पर सेक्स रैकेट चला रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार करके थाना लाया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। हाँ, ये बिलासपुर थाने में सिंह कॉलोनी की घटना है, जहां शिकायत पर इंस्पेक्टर बिलासपुर और अन्य अधिकारीगणों के साथ वहां पे छापा मारा गया, जिसमें 3 महिलाएं और एक पुरुष पकड़ा गया। इस संबंध में थाने पर अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है और सभी 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है।